दोस्तों, अगर आप कभी यहाँ पर सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है तो आपके अकाउंट से भी 354 रुपये यहाँ पर कट सकते हैं। इस न्यूज़ को सुनने के बाद काफ़ी सारे भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि हमारा अकाउंट तो यहाँ पर पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, एंड कुछ भाई यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने अपना न्यू अकाउंट लास्ट मंथ में या फिर इस महीने ओपन करवाया होगा, क्या उनके अकाउंट से भी यहाँ पर 354 रुपये कट जाएंगे या फिर नहीं कटेंगे, या फिर बैंक 354 रुपए किन किन भाइयों के अकाउंट से यहां पर काटेगा, एंड किस सर्विस के नाम पर बैंक आपके अकाउंट से 354 रुपए यहां पर काटने वाला है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं यहां पर बिना किसी प्रूफ के आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं लेकर आता हूं। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता हूं। सो अब हम यहां पर बिना किसी देरी के आज की इस जबरदस्त वीडियो को स्टार्ट कर, सबसे पहले हम यहां पर आपसे बात कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा 354 रुपए आपके अकाउंट से किस सर्विस के नाम पर यहां पर चार्ज करेगा, एंड वो पैसे यहां पर किन किन लोगों के कटने वाले हैं। दोस्तों, आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा, उस स्क्रीनशॉट में नीचे की तरफ मैंने एक एंट्री को यहां पर शो कर रखा है। उस एंट्री में आप यहां पर देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है न्यू कार्ड इश्यू चार्ज सितंबर मंथ के, एंड उसके आगे यहां पर लिखा हुआ है 354 रुपए। अगर मैं इसे आपको आसान भाषा में बताऊं तो यहां पर ये पैसे उन भाइयों के अकाउंट से कटने वाले हैं जिन भाइयों ने अपना लास्ट मंथ या फिर इस महीने अपना न्यू अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ओपन करवाया था, एंड उनके अकाउंट पर एटीएम कार्ड जारी हो चुका है, एंड वो एटीएम कार्ड जब आपके घर पर डिलीवर हो जाता है एंड आप अपने एटीएम कार्ड को स्टार्ट कर लेते हैं तो बैंक आपसे एटीएम की फीस चार्ज करता है, उसी के यहां पर 354 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कटने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में शो कर दिया है। सो अगर आपने अपना लास्ट मंथ अकाउंट ओपन कराया है या फिर आपने इस मंथ अपना अकाउंट ओपन कराया है, जब भी आपके घर पर एटीएम कार्ड यहां पर डिलीवर हो जाएगा एंड आप अपने एटीएम को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके अकाउंट से भी 354 रुपए यहां पर कट जाएंगे। करंटली दोस्तों 354 रुपए यहां पर कट रहे हैं जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को आने वाले टाइम में कभी भी आप इसे वॉच करते हैं तो उस टाइम यहां पर अमाउंट चेंज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है, वो यहां पर बैंक के अपने रूल्स होते हैं जिन्हें वो यहां पर अपने अकॉर्डिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन करंटली यहां पर 354 रुपए न्यू एटीएम कार्ड इशू करने की बैंक आपसे चार्ज कर रहा है। सो यहां पर दोस्तों ये पैसे केवल उन्हीं के कटने वाले हैं जो अपने अकाउंट पर एटीएम सर्विस यहां पर लेते हैं। सो अगर आपने भी अपने अकाउंट पर एटीएम सर्विस यहां पर ले रखी है तो एक बार आप जरूर जाकर आप यहां पर चेक कर लें कि आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या फिर नहीं। अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैंने आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीटली यहां पर बता दिया है कि 354 रुपए किन किन भाई के अकाउंट से कटने वाले हैं। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।